और बच्चे नहीं आए आज? गुड इवनिंग। और बच्चे नहीं है, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। बच्चे नहीं है, चलो तो फिर विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? ओके नोट्स, ओके चलो मैं भेज दूंगी, सॉरी मैं भूल जाती हूँ, पीडीएफ आपको भेज दूंगी मैं, ठीक है? आज पढ़ाते हैं, आज आपको पढ़ाना था प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ठीक है? आज का जो आपका टॉपिक है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। एक मिनट, ठीक है? हम फर्स्टली बात कर देते हैं स्टैंडर्ड किस, सॉरी स्टैंडर्ड्स की, कि स्टैंडर्ड क्या होता है? कुछ कुछ ऐसे केमिकल या रिएजेंट होते हैं जो हाईली प्योर होते हैं, ठीक है? वो क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स होते हैं, या आप बोल सकते हैं कि जिनमें इम्प्योरिटीज नहीं होती। इम्प्योरिटी क्या होती है? कम होती है, ठीक है? समझ रहे हैं? जैसे कि आप कुछ भी चीज ले लें, अगर वो प्योर नहीं है तो उसमें इम्प्योरिटीज हैं, तो वो क्या होगी? मतलब कम इम्प्योरिटीज होती हैं, तो वो होता है। लेकिन हमारे स्टैंडर्ड कौन से होते हैं? जो हाईली प्योर होते हैं, जिनमें इम्प्योरिटीज कम होती है, इम्प्योरिटी नहीं होती, उनको करते हैं। तो उनकी जो कंसंट्रेशन होती है हमें पता करनी होती है, और जो उनकी उनमें वो क्या है क्या नहीं, मतलब स्टेबल है नहीं है, जो बहुत स्टेबल होते हैं और रिएक्शन कर नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है? और उनको स्टैंडर्ड बोलते हैं, जो हाईली प्योर होते हैं, इम्प्योरिटी कम हो, और जो मतलब इस कंसंट्रेशन हमें पता हो, और उनको क्या करते हैं, स्टेबल हो, और आसानी से क्या करते हैं, वो रिएक्शन नहीं करते, जो आसानी से रिएक्शन नहीं करते, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है? यानी कि हाईली प्योर हो और क्या हो, कंसंट्रेशन तो हम पता करते हैं, नॉन कंसंट्रेशन, और क्या हो, स्टेबल हो और रिएक्शन ना करें, जो ठीक रिएक्ट नहीं करते, नॉन रिएक्ट करते, नॉन रिएक्टेड होते, ठीक है? टेंट होता है, नॉट रिएक्ट, नॉन रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है? उनको क्या बोलते हैं हम, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है? जो हाईली प्योर होते हैं, मतलब आप मेन ये याद रखिए, जो हाईली प्योर होते हैं और स्टेबल होते हैं, ठीक है? तो फिर इसका क्या होता है, कुछ इनके फंक्शंस होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कि मतलब ये क्या होते हैं, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, कैसे नहीं होते? तो ये क्या होते हैं, फर्स्टली हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, फर्स्टली हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, कि कैसे, नेचर में, जो इनका नेचर होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी कि जिनमें नमी नहीं होती, नमी नहीं होती, या मॉइस्चर नहीं होता, मॉइस्चर आप बोल सकते हैं, मॉइस्चर नहीं होता, ठीक है? जो मॉइस्ट नहीं होते वो। और सेकंड होता है इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट इफेक्ट करते हैं, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इफेक्ट करते हैं ये, ठीक है? और ये क्या होता है कि किसी भी केमिकल या आप मतलब ऐसी बोल, बताया ही मैंने आपको कि ये क्या करते हैं, किसी केमिकल या कंपाउंड को जिसकी कंसंट्रेट जिस जो नॉन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है? केमिकल और कंपाउंड, नॉन सॉल्यूशन, अननोन, सॉरी अननोन सॉल्यूशन, ठीक है? केमिकल और कंपाउंड के अननोन सॉल्यूशन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, सॉरी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं, कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। ओके आया समझ में? जो क्या होते हैं, हाईली प्योर होते हैं या इम्प्योरिटीज नहीं होती, और जो सॉल्यूशन उसमें जो अननोन सॉल्यूशन होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को जानना क्या होता है, स्टैंडर्ड कहलाता है। तो इंस्ट्रूमेंटल से देखे जाए तो ये हमारे क्या होते हैं,
जो हमारे स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं वो टू टाइप्स के दिए गए हैं, टू टाइप ऑफ स्टैंडर्ड, कौन कौन से जो आज हमें पढ़ लें। फर्स्ट हमारा प्राइमरी, पीएस बोल सकते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड, और सेकेंडरी यानी कि एसएस, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। राइटिंग पे ना जाए, बस समझें, ठीक है। फर्स्ट हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंड हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो फर्स्ट हमारा, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि फर्स्ट यानी कि प्राइमरी मतलब पहला, तो जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है नाम से जैसे हमें पता चल रहा है, उसमें क्या होता है, जो एनालिसिस में जो स्टैंडर्ड होते हैं ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, मतलब जो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका हमारे एनालिसिस में, कि मतलब किसी चीज को एनालाइज करने के लिए हमें स्टैंडर्ड का पता होना बहुत जरूरी है। तो किसी भी मटेरियल को जब हम एनालाइज करते हैं कि मतलब एनालाइज करते हैं स्टैंडर्ड के बेसिस पे, तो क्या होता है, जब हमारा कोई फार्मास्यूटिकल होती है उसमें हमें जैसे किसी चीज को सैंपल को एनालाइज करना है, किसी ड्रग को एनालाइज करना है, कल में जो हमारे ड्रग को या सैंपल को अगर हम एनालिसिस करते हैं तो क्या होता है कि उसमें देखना पड़ता है कि ये कितना प्योर है कि नहीं, ठीक है, कि प्योर ड्रग है या नहीं, या मतलब प्योर ड्रग है या नहीं है सैंपल, या कितनी उसमें प्योरिटी है। अगर उसमें 100% प्योरिटी है दैट मीन्स कि वो क्या है, मतलब सॉरी, पहले तो उसको चेक करेंगे कि उसमें कितनी प्योरिटी है। अगर उसमें 100% प्योरिटी है, जब हम चेक कर लेते हैं तो केमिकल मेथड से या फिजिकल मेथड से, कोई से भी मेथड आप यूज कर लें, या तो आप फिजिकल मेथड कर लें या केमिकल मेथड कर लें, ठीक है, इसकी प्योरिटी चेक करने के लिए केमिकल मेथड कर लेते हैं और फिजिकल मेथड कर लेते हैं। और फिर जब हम इसके थ्रू, जब इन मेथड्स के थ्रू हमें पता चलता है इसके स्टैंडर्ड का कि इसमें कितनी प्योरिटी है नहीं, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम प्राइमरी स्टैंडर्ड बोलते हैं, यानी कि जो फर्स्टली यूज, उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए जो फर्स्ट स्टैंडर्ड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक है। ठीक है कि इसमें तो इसी स्टैंडर्ड में क्या होता है कि इसमें कुछ कुछ खासियत होती है, यानी कि इसमें कुछ मतलब इम्पोर्टेंट चीज होती है जो हमें इस प्राइमरी स्टैंडर्ड करने से पहले देखना पड़ता है, यानी कि फर्स्ट तो हमें देखना पड़ता है कि ये प्योर है कि नहीं, ठीक है। फर्स्ट तो हमने बोल दिया जो जो कि हम बार बार बोल रहे हैं, प्योरिटी प्योरिटी प्योरिटी, तो फर्स्ट तो यही है कि इसमें हमें चेक करनी होती है कि कितना प्योरिटी है इसमें कितनी नहीं, ठीक है। फर्स्ट इसकी हमें प्योरिटी देखनी होती है कि भाई 100% प्योर है कि नहीं, या इसमें कितनी इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, हमें ये दोनों चीजें चेक करनी होती है। फर्स्ट हमारा ये हो गया, सेकंड हमें देखना है कि ये कितना स्टेबल है, ये स्टेबल है कि नहीं, भाई कितना स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल भी होना चाहिए। और फिर दूसरा कि इसको इसको ये एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ भाई बिल्कुल रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज भी हमें देखनी होती है। थर्ड होता है कि ये, हाँ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, नो रिएक्ट एक्शन विद एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, एक्शन विद एटमोस्फेरिक स्टैंड रिएक्शन, ठीक है। इसके साथ क्या करना चाहिए, एटमोस्फेरिक रिएक्शन के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना चाहिए इसको। तो और क्या होना चाहिए, इसका जो हाई टेम्परेचर है, इसका जो हाई टेम्परेचर होना चाहिए उससे उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इजीली रिएक्ट करना चाहिए, जो उसकी क्वालिटी होती है वो भी हमें देख लेनी चाहिए, ठीक है, और ये इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही, अभी आ रही है, अभी आवाज आ रही है, अभी भी नहीं आ रही, बोलते हैं ना कि कैमरा ऑफ करने से आवाज सही आ जाती है, चलें तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही पढ़ा देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमें इसमें क्या देखना होता है कि ये कितने परसेंट प्योर है, कितना नहीं, और कितने इसमें इम्प्योरिटीज है, ठीक है। सेकंड हमें देखना होता है कि ये कितना स्टेबल है,
ठीक है। सेकंड हम क्या देखते हैं कि स्टेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मीन्स इसमें एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन ना करे, मतलब बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा देखना चाहिए। फिर हमें देखना होता है कि ये हाई टेम्परेचर है कि नहीं, कि हाई टेम्परेचर पर कितना स्टेबल है, अगर ये स्टेबल है तो कितना है, क्यों है, कैसा है, ठीक है, और इजिली रिएक्ट कर देना चाहिए ये फिर, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी के साथ साथ ही। और फिर हमें देखना होता है इसमें क्वालिटी कितनी है, इसकी क्वालिटी जो है रिएक्शन करने की वो कैसी है, वो देखनी चाहिए। और जो ये है ना, इजीली अवेलेबल होना चाहिए हम लोगों को, और डिजोल्व भी नहीं होना चाहिए किसी के साथ, किसी भी सॉल्वेंट के साथ इजीली डिजोल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और लेकिन साथ ही साथ हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो नेचर के साथ, ठीक है। तो फर्स्टली जो मतलब जो ज्यादा मेन होती है कि इसकी स्टेबिलिटी हमें देखनी होती है, और प्योरिटी, दो चीजें आप सबसे ज्यादा याद रखेंगे, हमें इसकी स्टेबिलिटी और प्योरिटी देखनी होती है। अभी दिख रहा है, एंड प्योरिटी, मेन ये दो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखें कि मेन हमें इसकी क्या करनी होती है, स्टेबिलिटी और प्योरिटी देखनी होती है। तो कुछ पार्ट होते हैं जो क्या होते हैं कि सेकेंडरी, मतलब अगर हम देखें, मतलब इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हो जाते हैं कि हम इसको भाई अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसमें क्या होता है ये चीप भी हो सकता है, तो इनको इनके कॉस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब अगर लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा अगर स्टैंडर्ड्स निकालने हैं तो वो उसमें कॉस्ट तो लगती है, ऐसा तो है नहीं कि भाई वो इजिली हमें मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो लेकिन तो अगर हमें ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन देखने हैं तो इसमें मतलब कॉस्ट लगानी पड़ती है, ठीक है, तभी स्टैंडर्ड्स हमारे निकल पाते हैं। तो ठीक है, ठीक है, बेसिकली जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सब प्रॉपर्टी को कंटेन करते हैं इजिली। प्राइमरी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए क्या होता है, हाई कॉस्ट लगते हैं, वेल इक्विलेबल होते हैं, वेल ये क्या होते हैं, ट्रेंडिंग पर्सन से होते हैं, और जो प्राइमरी स्टैंडर्ड बनाते हैं यानी कि जितने भी इसको जब हम करते हैं तो ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं प्राइमरी, ये मेंटेन होने चाहिए, हाई कॉस्ट होनी चाहिए सॉरी इनकी, और ये वेल क्या है, जो वेल ट्रेंड पर्सन से ही इनको कराते हैं, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड कराते हैं वो वेल ट्रेंड पर्सन से ही कराते हैं, नहीं तो उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारे स्टैंडर्ड्स गलत ही आएंगे, कुछ में प्योरिटीज हमें पता नहीं चलेंगी कि प्योर है कि नहीं प्योर है, ठीक है। जब प्राइमरी स्टैंडर्ड बनते हैं तो आपको ये सब भी इस टाइप की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिससे पता चल जाए कि स्टैंडर्ड अवेलेबल है कि नहीं है। तो यानी कि जो हम प्रोडक्ट सिंथेसाइज करते हैं उनकी प्योरिटी को डिटरमाइन करते हैं, तो जो पीएस का यूज करते हैं यानी कि प्राइमरी स्टैंडर्ड जो हम यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, पीएस की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि ड्रग या कंपोनेंट या हमारे सैंपल्स जो भी हम ले रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं जिनको, तो उनको प्रोड्यूस, और जब हम कंपनी में या किसी उसमें प्रोड्यूस करते हैं तो हमें उसकी प्योरिटी चेक करनी पड़ती है कि ये प्योर है कि नहीं। आपको पता ही है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, जैसे कि आपके मेडिसिन कंपनी ले ले, अगर आप किसी मेडिसिन कंपनी में, फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप जाते हैं और वहां पे कोई ड्रग प्रोड्यूस हो रही है, तो आपको उसमें चेक करना होता है कि वो कितनी प्योरिटी है उसमें, कितनी नहीं है, या उसमें कौन कौन से मतलब उसमें कंपोनेंट्स वगैरह हैं। तो जब आप उसको वहां पे क्यूसी लैब होती है, जैसे कि आपको पता ही है फार्मास्यूटिकल के उसका जो भी स्कोप जो है उसी क्यूसी में भी होता है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उसमें भी है, तो जब आप उसको क्यूसी लैब में चेक करते हैं तो आपको लैब में देखना होता है कि ड्रग में कितनी प्योरिटी है कितनी नहीं है। कुछ चीज कुछ कुछ इम्प्योरिटीज उसमें होती है, लेकिन प्रॉपर प्रॉपर्टीज आपको चेक करने के लिए ही प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। अगर वो 100% प्योर है तो आपका वो प्राइमरी स्टैंडर्ड है, और ठीक है, ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड यानी कि प्योरिटी चेक करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं फर्स्टली उसको बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो ऐसे ही कुछ कंपनीज क्या होती है कि ड्रग तो कंपोनेंट और वो बना तो देती है, प्रोड्यूस तो करती है, लेकिन उसके स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाती, वो स्टैंडर्ड्स को नहीं बता पाती, तो उसी के लिए जो हम सेकेंडली यूज करते हैं वो सेकेंडरी यूज स्टैंडर्ड होते हैं, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड निकालने के लिए, उस ड्रग के स्टैंडर्ड निकालने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है कि वो बाहर से अफोर्ड करने पड़ते हैं, स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो बाहर से अफोर्ड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से उसको जो उसके लिए, लेकिन कोई कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत, जब बाहर से उनको लेते हैं तो वो इतने महंगे हो जाते हैं कि उनकी कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाहर से उनको कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो इसीलिए उसको जो सेकेंडली यूज किया जाता है उसको सेकेंडरी स्टैंडर्ड बोलते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है वो मेनली जो प्रोड्यूस होता है वो मतलब जो किससे रिलेट होता है वो होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड से ही है, यानी कि जो हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड है वो बनता प्राइमरी स्टैंडर्ड से ही है, ठीक है। और इसमें एक चीज और देखें, ठीक है, कि जैसे कि हमने आपको
इसका जब अगर हम एग्जाम्पल लें, अपने सेकेंडरी स्टैंडर्ड के लिए एग्जाम्पल लें, तो जो हमारी टाइट्रेशन होती है वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड, समझ में तो आ गया ना? जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं वो पीएस मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होती है वो 100% प्योर होती है, लेकिन सेकेंडरी स्टैंडर्ड 100% प्योर नहीं होंगे, क्योंकि वो उसमें इम्प्योरिटीज होंगी ज्यादा। कम से कम इसमें 95% इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है? 95% इसमें इम्प्योरिटीज होती है, सॉरी 95% ही ये प्योर होगा, 5% इसमें इम्प्योरिटीज होती है, और ये 95% ही आपको प्योर फॉर्म में मिलेगा, फॉर्म में मिलेगा, ठीक है? तो जब आपके प्राइमरी स्टैंडर्ड से हम प्रोड्यूस करते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो उसको क्या करते हैं, जब क्यूसी में, जैसे कि मैंने बोला कि कंपनीज में जब आप जाते हैं, आप कोई ड्रग बनाते हैं, ड्रग प्रोड्यूस करते हैं, जब उसको क्यूसी में चेक करते हैं, अगर वो 100% है तो आपका प्योर है, यानी कि प्राइमरी स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर वो आपका 100% नहीं है, कम है, तो उसका मतलब वो क्या है, आपका क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, ठीक है? अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज दिखती हैं तो वो आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड में जाती है। तो जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं आपका टाइट्रेशन, टाइट्रेशन तो आपने करी है अभी, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन आपको कराई है हमने, ठीक है? तो आप एसिड बेस में ले लें, तो आपका HCl जो है वो HCl ले यूज करते हैं हम, यूज कर रहे हैं हम, ठीक है? तो HCl जो होता है आपका एज ए स्टैंडर्ड ही होता है, एज ए स्टैंडर्ड ही हम यूज करते हैं। लेकिन जो इसमें HCl में आपका जो PS है, यानी कि प्राइमरी, आपकी जो प्राइमरी, इसमें प्राइमरी स्टैंडर्ड है वो क्या होता है, पहले स्टैंडर्डाइज किया जाता है। इसमें जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है वो पहले स्टैंडर्डाइज किया जाता है। जब आप उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, स्टैंडर्डाइज किया जाता है, जब आप उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ, किससे करते हैं आप उसको स्टैंडर्डाइज, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है? किसकी हेल्प से करते हैं आप उसको, सोडियम कार्बोनेट की हेल्प से करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है? सोडियम कार्बोनेट की हेल्प से आप उसको क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं फर्स्टली, ठीक है? तो ये इससे क्या पता चल रही है, हमारा क्या हो जाता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक है? तो फिर इससे हम क्या कहते हैं, पीएस की सब सब क्वालिटी क्वालिटी इसमें रख देते हैं। जब इसमें रखते हैं तो इससे पता चल जाता है कि हमें ये कितने परसेंट प्योर है, ये नहीं है, ये एसिड है कि बेस है, ये सब चीज़ हो जाती है। ऐसे जब हम बेस में टाइट्रेशन करते हैं, ऐसे जब हम, ये एसिड का हो गया, जब इसमें बेस का टाइट्रेशन करते हैं, तो इसमें क्या होता है, NaOH भी ऐसे ही होता है। इसमें इसमें भी क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती जो पीएस बोलते, यानी कि जो इसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती जिसको हम बोलते कि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, तो ठीक है? तो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे? कुछ नहीं, मैं जो बोल रही हूँ बस वही लिख रही हूँ, वो सिर्फ मैं लिख इसलिए रही हूँ जिससे कि अगर आपको समझ ना आए तो आप एक बार पढ़ के देख ले, ठीक है? तो यानी कि जब हमारे टाइट्रेशन, हम बेस वाली टाइट्रेशन करते हैं, तो जो हमारा NaOH होता है, ये प्राइमरी सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी स्टैंडर्ड इसको नहीं बोलते, क्योंकि ये प्रॉपरली क्या बोलते हैं, प्योर नहीं होता, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। तो इसको इसको जब हम प्राइमरी स्टैंडर्ड कहलाने के लिए ना, इसमें क्या होता है कि कैल्शियम पोटेशियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं, जिससे उसको बोलते हैं कि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है, और ये फिर क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, जो हमारा NaOH होता है वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहलाता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहलाता है। प्राइमरी स्टैंडर्ड बोलने के लिए इसमें हमारा कैल्शियम पोटेशियम ठीक है, थायलेट कहलाते हैं, ओके ओके, समझ में आया? अब आवाज नहीं आ रही मैम आपकी, अब आ रही है, अब आ रही है, एक मिनट।
हम बोल रहे हैं जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं, अब सिंपल की भाषा में एक बता देंगे, आपकी जो मैं बोल रही हूँ कि जो आपके प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं वो केमिकल ही होते हैं, यानी कि जब आप उनको मतलब अगर आपके वो प्योर फॉर्म में हैं, 100% प्योर हैं, तो वो आपके प्राइमरी स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर उनमें कुछ इम्प्योरिटीज हैं तो यानी कि वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड में चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब समझ में आया। ठीक है, यही होता है। तो जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड है इनको यूज़ करते हैं हम टाइट्रेशन में जब यूज़ करते हैं, तो किसी अननोन सैंपल की जब हम कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं तो उसमें ही आपको पहले पीएस निकालना पड़ता है। यानी कि मेनली जब हम इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड निकालते हैं वो किस में करते हैं, हम टाइट्रेशन में करते हैं। ठीक है, किसी भी सैंपल की, आपकी अननोन सैंपल की क्या करने के लिए, कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए आपको पीएस करनी पड़ती है, और इसको हाई लेवल प्योरिटी होती है जो कि हमने आप बोल दिया। और ये रिएक्शन क्या होती है, ये इजीली रिएक्शन नहीं करती है, इक्विवेलेंट वेट इनका जो होता है वो हाई होता है आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड का, और सेकेंडरी का लो होता है। ठीक है, और जो मैंने बोला ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक यानी कि मॉइस्चर इनमें क्या होता है, हाई कि लो होता है कि नहीं, नमी सोखने का काम करता है ना। ठीक है, और ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, यानी कि टॉक्सिक नहीं होते, नॉन टॉक्सिक होते हैं, और ये क्या करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि वही कॉस्टली होते हैं। जब इनको आप प्राइमरी स्टैंडर्ड निकालेंगे, आपको स्टैंडर्ड निकालने के लिए ज़्यादा ज़्यादा इनको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है इनके सैम्पल्स को, तो उसमें क्या होता है, उसमें कॉस्ट भी लगती है। जब आप अच्छे से स्टैंडर्ड करें तो आपको कॉस्ट भी देनी पड़ती है, ये चीप नहीं होते, जो चीप होते हैं उनके फिर रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलते हैं। आपको अच्छे रिजल्ट लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं खर्चा तो करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी वजह से जब कुछ कंपनियां स्टैंडर्ड को नहीं कर पाती, वो बाहर से स्टैंडर्ड्स को लेती है, जब स्टैंडर्ड्स को बाहर से लेती है तो वो हाईली कॉस्ट होते हैं, तो उनको भी एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो उनको भी अफोर्ड नहीं कर पाते, इसी वजह से कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स हमारे जाते नहीं है। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड में जैसे कि हमने बोला, इनको स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए आपको एक बार पीएस तो जरूर करना पड़ेगा, यानी कि अगर सेकेंडरी स्टैंडर्ड को आप कर रहे हैं तो उससे पहले उसको पीएस जरूर करना पड़ेगा, उसमें प्योरिटीज चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसको जब हम बनाते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड को जब बना लेते हैं, तो उसको पीएस से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि इसमें कितनी प्योरिटी है, कितनी इम्प्योरिटीज हैं। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड करने के बाद, सेकेंडरी स्टैंडर्ड करने के बाद भी उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करना ही पड़ता है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड का जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है वो यूज होता है आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड में, और जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है वो आप लैब में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और इसको एक बार सेकेंडरी स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड के स्टैंडर्डाइजेशन से कंपैरिजन भी करते हैं। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो स्टेबल कम होते हैं, आसानी से रिएक्शन कर देते हैं, और जो पीएस होती है वो अगेंस्ट करती है किसके, टाइट्रेशन। ओके, ठीक है, आया समझ में? तो प्राइमरी स्टैंडर्ड से आप क्या समझ रहे हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड से क्या समझ रहे हैं, पहले तो आपकी एक चीज ही आ गई कि प्योरिटी, यानी कि प्राइमरी स्टैंडर्ड जो प्योर चीज है वो क्या है आपका। ठीक है, ओके, तो आपको ये समझ में आ गया, तो फिर हमारा चल एक बार जल्दी से धीरे धीरे सब बता दे, छोटे छोटे सब बता दे क्या क्या पढ़ा आपने। और एक चीज और, इसमें जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं, जो इनकी रिएक्शंस होती हैं वो हमारी फर्स्ट, जैसे मैंने बोला एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं, जो आपके एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं उसमें आप सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, फिर सोडियम आपका टेट्राबोरेट होता है, फिर पोटेशियम हाइड्रोफिलोप्थिलीन होता है आपका, और फिर एक जीनानोइड से, सॉरी, हाँ हाइड्रोजिनोइड्स होता है आपका। ठीक है, इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है इसलिए पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हुई। ठीक है, तो पहला तो आपका मेनली जो मैंने बोला है सोडियम कार्बोनेट का ही, वही मैंने आपको बताया ही था कि इसमें सोडियम कार्बोनेट का होता है। अगर आपको प्राइमरी स्टैंडर्ड उसमें निकालना होता है एसिड्स में, तो आपको इसको रख के ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके उसको प्योरिटी इसी की उससे होती है। ठीक है, फिर इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन होती है, एक आपकी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होती है, और एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। इन रिएक्शन के ऊपर ही आपको पता चलता है इसमें कितनी प्योरिटीज है कितनी नहीं है। जो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन है उसमें आपकी प्योर मेटल्स आ रहे हैं, जिंक आ रहे हैं, कॉपर आ रहे हैं, मैग्नीशियम आ रहे हैं, एंड मैग्नीज आ रहे हैं। ठीक है, और सॉल्ट्स, ये क्या होते हैं, सॉल्ट्स डिपेंड्स होती है अपॉन द रिएक्शन ऑफ यूज। ठीक है, और फिर प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपका सिल्वर आ रहा है, सिल्वर नाइट्रेट आ रहा है, सोडियम क्लोराइड हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड आ रहा है, एंड पोटेशियम ब्रोमाइड आ रहा है आपका। फिर आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन में जो आपका आपका आपका
पोटेशियम डाइक्रोमेट हो रहा है, पोटेशियम ब्रोमेट हो रहा है, पोटेशियम आपका आयोडेट हो रहा है, सोडियम ऑक्सीलेट हो रहा है और प्योर आयरन हो रहा है आपके, जो प्योर फॉर्म में आपके आयरन है वो यूज की जा रही है आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में। ठीक है, इन सबको आप एक बार देख लेना, आप तब आपको समझ में आ जाएंगी। और ठीक है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड का तो आपको बता ही दिया, ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी के अकॉर्डिंग ये थोड़े से कम प्योर होते हैं और टाइट्रेशन के अगेंस्ट इनका जो होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है। जी एक बार बता दें, प्राइमरी से आप क्या समझे, सेकेंडरी स्टैंडर्ड को कैलिब्रेट करने के लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड को पहले देखना पड़ता है, उसको जरूर देखना पड़ता है, ठीक है, कैलिब्रेट करने से पहले उसको उसका कंपैरिजन करना ही पड़ता है। जी बताएं, एक बार आप बता दें, मैं बोलती ही जा रही हूँ, एक बार आप भी बता दें कि क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया। कितने स्टैंडर्ड यूज किए जा रहे हैं, कितने स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं हम, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है। ठीक है, और ये रिएक्शन, हाँ, हाई मॉलिक्यूलर वेट, और रिएक्शन कैसे होते हैं इसमें, मैं बोल रही हूँ रिएक्शन की, तो जब इसमें जब ये हाई स्टेबल होगा तो इसमें रिएक्टिविटी कैसी होगी, तो ओके, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोले आप सेकेंडरी स्टैंडर्ड बताएं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड से क्या समझे, ठीक प्योर कम होता है, इम्प्योरिटीज होती है उसमें, है ना। नहीं, प्राइमरी 100% प्योर होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड में प्योरिटी 5% है और इम्प्योरिटीज उसमें 95% होती है, ठीक है, ओके। और चलो फिर समझ में आ गया मतलब आपके ना, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ लें या अभी पढ़ाएं, ठीक है, तो अटेंडेंस बता दे बस एक बार, नेम बता दे, बच्चे कम है क्योंकि, अटेंडेंस बता, नेम बता दे, यशवंत हो गए, आदित्य शर्मा, दिव्यांशी, ओ सॉरी, और गौरव, और कौन है, और कौन, वैभव, ठीक है, ओके, और तो कोई नहीं है ना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूं आपके ग्रुप में, तो आप पीडीएफ से ले लेना, आपको सब नोट्स, जी ठीक है, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, वो पहले से शेयर किए हुए, मैं आपको रीशेयर कर दूंगी वो, ठीक है, ओके। तो आप मुझे एक चीज और बता दें कि कल आपकी क्लास मॉर्निंग